यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में बात करेंगे एक शेयर जिसमें काफी तेजी देखने मिला है। देखिए, जो भी शेयर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर आप उसे लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम पर मैं जैसे भी कोई न्यूज आता है, कोई स्टॉक क्रेश होता है, मैं फट से वहाँ पर डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वीडियो आप बाद में या लेट से क्यों बनाते हैं। जैसे मैं आज ये तेजस नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, तेजस नेटवर्क के बारे में हम पहले भी बताए थे, अभी से आप 10 से 15 दिन पहले का वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैंने बताया था कि तेजस नेटवर्क, अगर आप 5G स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, तेजस नेटवर्क काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और इसमें आ गया कि टाटा इसमें अपना स्टेक बाय करेगा, जिसका इतना तेजी देखने मिल रहा है। तो जैसे टाटा का न्यूज़ आया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। देखिए, वीडियो बनाने में टाइम लगता है और साथ साथ वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पर आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। देखिए, तेज नेटवर्क जो है 5G पर काम कर रहा है। अगर मतलब जो टेक्नोलॉजी होता है, आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 5G रिलेटेड, उस पर काम कर रहा है। तेज नेटवर्क का जो कस्टमर है उसमें देखिए डिफेंस भी है, BSNL भी है, रिलायंस इंडस्ट्री भी है, भारतीय एयरटेल भी है, पावर ग्रिड भी है, टाटा कम्युनिकेशन भी है, आइडिया भी, वोडाफोन भी है, हाथवे केबल और डाटा कॉम भी है, और यहाँ पर देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भी है। इतने सारे कस्टमर है। अब यहाँ देखिए, जब इससे कंपनी ओवरव्यू पे जाइएगा तो कस्टमर्स तो आपने देख लिया। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें 15% जो कंपनी का मार्केट शेयर है वह है ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट सेगमेंट में, 36% जो मार्केट शेयर है कंपनी का वह है ऑप्टिकल एग्रीगेशन सेगमेंट मार्केट में। तो ये दो मार्केट है जिसमें एक में 15% कंट्रीब्यूशन रखता है ये कंपनी और दूसरे में 36%। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू का, तो देखिए कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है प्रोडक्ट वाइज और लोकेशन वाइज, तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज की बात करें, ऑप्टिकल एंड डाटा नेटवर्क में 89.9% का रेवेन्यू शेयर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर रेंडिंग ऑफ सर्विस से 8.8% रेवेन्यू जनरेट करती है, कंपोनेंट सेल से 2.2% का रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात है, इंडिया 61.1% का शेयर करती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 38.9% का यहाँ पर लोकेशन वाइज कंट्रीब्यूशन करती है रेवेन्यू में। अगर वर्टिकल्स की बात करें, जो रेवेन्यू शेयरिंग का वर्टिकल्स है, इंटरनेशनल बिजनेस से 40% रेवेन्यू जनरेट होती है, इंडिया प्राइवेट सेक्टर 43% और इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस से देखिए 17%। अगर कस्टमर वाइज देखेंगे तो देखिए BSNL जो अकेले 35.3% यहाँ पर शेयरिंग करता है और क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उससे 64.7% यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स की बात करें तो अपने सेल्स का 7.8% जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग जीरो है, मतलब प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें नहीं है कंपनी में, वहीं अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 72.3% है, DIs का स्टेक इसमें 0.7% है, FIs का स्टेक 20.3% है, म्यूचुअल फंड का 6.7% है। और कंपनी के अगर डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो मार्केट कैप देखिए 3,549 करोड़ का है और करेंट प्राइस जो है 395 रुपीज़ का, और इसमें अभी काफ़ी ज़बरदस्त तेजी है। तो टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तेजी कब से आया, तो जब से न्यूज़ आया कि टाटा इसमें स्टेक बाय करने वाला है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का जीरो है, रिटर्न कैपिटल इंप्लाइड बात देखिए 2% है, रिटर्न इक्विटी मात्र 3%, क्योंकि कंपनी जो है लगातार नई इनोवेशन मतलब नए प्रोडक्ट पर काम करती है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में। बात करें कंपनी का डेट इक्विटी, देखिए डेट इक्विटी लगभग जीरो है, 0.02 का है, तो डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। अगर टोटल डेट बात करें मात्र 25 करोड़ का है, जबकि रिजर्व देखिए 1049 करोड़ का है, तो रिजर्व के कंपेरिजन में डेट काफ़ी कम है। और नेट प्रॉफिट जो एनुअल 55 करोड़ का है, इसके कंपेरिजन में भी काफ़ी कम है, पर कंपनी अपना डेट पे करने में या तो रिजर्व का यूज करेगी या तो अपने प्रॉफिट का यूज करेगी, तो जो आसानी से पे किया जा सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें, देखिए कंपनी का जो सेल्स है 2012 में 201 करोड़ का था, यहाँ से लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है और अभी देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 591 करोड़ का हो चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का यहां पर 2012 में जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था और यहां से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ में
अर्न कर रही है 55 करोड़ का, तो प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। लेकिन कंपनी जो है लगातार इनोवेटिव कंपनी है, तो नए नए इनोवेशन पे काम करती है। जैसे आता है कोई कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लाता है इनोवेशन के द्वारा, तो कंपनी वहां से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। वही बैलेंस शीट की बात है, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 97 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास 299 करोड़ का है। और बात करें रिजर्व यहाँ काफ़ी बड़ा है और 1049 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। बोरोइंग की बात करें मात्र 25 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, मतलब डेट है। और कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार पॉजिटिव रहा है, और यहाँ पर 2019 में निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया था, लेकिन ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। पिछले 2-3 सालों से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जो है थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ देखने मिला है। और इन्वेस्टर सेक्शन में जैसे कि प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें जीरो है, लेकिन अगर आप पब्लिक स्टेक में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कई सारे जो ये एक फंड हाउस है मॉरिशस का, इसका 17% स्टेक है। फिर यहाँ पर दूसरा फंड हाउस जिसका 10% है। फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो पब्लिक स्टेक है वो भी अच्छा खासा है। तो इस तरह से कई सारे मेजर इसमें होल्डिंग्स हैं जिसको आप एज ए स्टेबल प्रमोटर्स होल्डिंग ले सकते हैं, या हो सकता है ये कंपनी के एज ए प्रमोटर हो, क्योंकि जो FIs स्टेक प्लस ये जो बड़े बड़े मेजर होल्डिंग्स एज ए प्रमोटर आप ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वही कंपनी के आगे के मूवमेंट को तय करेगा। जैसा कि अभी आया है कि टाटा इसमें स्टेक बाय करेगा, कंपनी में हमें जबरदस्त तेजी देखने मिल रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट का, तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे शेयर प्राइस यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट हो रहा था। जब लगातार कंसोलिडेशन में अगर यहाँ हम पीछे कुछ समय से बात करें तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा था, सेलिंग वॉल्यूम था यहाँ पर लगभग जीरो था, जबकि बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा था। तो जब बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा हो तो निश्चित है कुछ ना कुछ कंपनी में होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा आया था, फिर यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम निगलिजिबल था, फिर यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम आया था। तो जब यहाँ शेयर प्राइस ऊपर जाता था बाइंग वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा था, और यहाँ पर टाटा का जो न्यूज आया उससे पहले ही देखिए यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम आया था। कुछ ना कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको पहले से पता था कि इसमें टाटा का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कोई ना कोई तो जरूर न्यूज पता होगा, तभी इतना देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम पिछले 15 से 20 दिनों से इसमें चल रहा था। और जब से ये न्यूज़ आया टाटा का इसमें इन्वेस्टमेंट का, तब से स्टॉक यहाँ पर देखते हैं मात्र 200 रुपीज़ के आसपास था, और वहाँ से ये 400 पर पहुँच चुका है, मतलब जो इन्वेस्टर का मनी है उसको डबल कर चुका है मात्र 10 से 15 दिनों में। और यहाँ से तेज़ी का आने के 10 से 15 दिन पहले ही इसमें लगातार वॉल्यूम भी आ रहा था, जबकि सेलिंग वॉल्यूम बिल्कुल गायब था। तो ये टेक्निकल चार्ट पे आपको देखना होता है, जब आप इस चीज़ को देखने सीख जाते हैं निश्चित रूप से आप यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते थे विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 150। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक कि टाटा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर देता है, मतलब ये टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं बन जाती है, उसमें मेजोरिटी स्टॉक जो है टाटा का होना चाहिए, तभी आप इसमें बाय करते हैं, क्योंकि टाटा का जो ब्रांड वैल्यू है हम उसके अनुसार भी प्ले करते हैं। तो ये जब मूव आपका छूट चुका है तो इसमें कोई बड़ा जो गिरावट होगा उसके लिए आप वेट करेंगे, कोई बड़ा गिरावट आता है तो वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो बड़ा करेक्शन होगा वो विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं होना चाहिए कि कोई रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो गए, कंपनी का बिजनेस जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया, तो विदाउट एनी फंडामेंटल बिग रीजन्स यहाँ पर एक कोई बड़ा करेक्शन होता है तो वहाँ पर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि और इससे इस तरह के जो न्यूज़ वाले स्टॉक्स होते हैं उसके से अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ जैसे न्यूज़ आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में हमने इसका कंप्लीट एनालिसिस किया, क्योंकि इन्वेस्टर अब यहाँ पर जो है जब स्टॉक पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुका है तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर तेजी को देख करके फंस सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि यहाँ पर अब आपको नहीं फंसना है, वेट करना है, कभी भी कोई बड़ी गिरावट इसमें आती है, बड़ा करेक्शन आता है तो उस करेक्शन पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।